वालेकुम वरहमतुल्लाह वरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद इरफान फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ शिफा अलवेली घिजामा सेंटर मोरबी गुजरात से। दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए एक नायाब और बेहतर और अच्छी चीज़ लाया हूँ। अक्सर मेरे भाई व्हाट्सअप और फ़ोन पे कहते हैं कि हज़रत हमें मज़ी वगैरह की तकलीफ़ है, मज़ी मनी वगैरह जो पेशाब करने के बाद जो कतरे वाइट कलर के निकलते हैं तो उसके लिए क्या है, इससे अक्सर नौजवान जो हैं वो परेशान हैं। पहले तो देखिए ये परेशानी इसलिए है कि जो ये हमारी शहवत होती है, जो जोश होता है वो क्या होता है, जब हम गलत कार्यों की तरफ या कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी नुकसानदेह होती है। और फिर क्या होता है कि गलत कार्यों वगैरह और जवानी का जोश, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ये जो बीमारी है उसको बढ़ावा देती है। इससे क्या होता है, जिस्म कमज़ोर होता है, जहन ख़राब होता है और भूख भी नहीं लगती है और बेचैनी होती है और बंदा उसी में मतलब पड़ा रहता है। तो मेरे कोई भी भाई परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा 101% होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन देखिए दोस्तों मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि परहेजगारी ज़रूरी है। सबसे पहले परहेजगारी काम करेगी, उसके बाद ही आपको दवा असर करेगी। तो परहेजगारी में आप सुन लीजिए, खट्टा तीखा तला हुआ इन चीज़ों से बचें और कम खाएं, जितना हजम कर सकते हो उतना ही खाएं, पेट भर के ना खाएं वरना परेशानी और बढ़ेगी। तो देखिए ये जो वाइट सेल्स निकलते हैं और जो पेशाब वगैरह की जो तकलीफ़ आपको रहती है तो उसके लिए क्या, तो दोस्तों देखिए उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप देख सकते हैं धातु पौष्टिक चूर्ण, ये पौष्टिक व बलवीर्यवर्धक है। अब इसका जो कंटेंट है वो ज़बरदस्त है दोस्तों, कंटेंट में आप खुद देख लीजिएगा ये चीज़ें मंगवा कर, आपको लेनी क्या है ये चीज़ें धातु पौष्टिक, अच्छे से आप देख लें ये धातु पौष्टिक। अब ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों कि ये पहली खुराक से लेकर 10वीं या 12वीं खुराक तक आपको फ़ायदा देगी, लेकिन परहेजगारी के साथ। ये आपको आधा चम्मच मतलब तकरीबन 3 से 4 ग्राम तक आपको ये सुबह दूध के साथ नाश्ते के बाद, अगर ऐसे भी चलता हो तो पानी से भी ले सकते हैं या जूस वगैरह से भी आप ले सकते हैं, और रात को भी आप खाना खाने के 15-20 मिनट बाद ये चीज़ आप दूध या जूस के साथ ले सकते हैं। आपको लेनी कितनी है, 2 से 4 ग्राम। इंशाअल्लाह ताला देखिए ये टाइमिंग बढ़ाएगी, ये चीज़ आपकी सेक्सुअल लाइफ की टाइमिंग बढ़ाएगी, वीर्य को गाढ़ा करेगी और जिस्म में ताकत देगी। इसमें कोच पाक मुसली पाक ये इतनी बेहतरीन इसकी मतलब जो इसमें जो कंटेंट डाले हुए हैं, बस आपको ये इस्तेमाल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी आप ऑनलाइन मंगवा लें और फ़ायदा हासिल करें, पहला मेरा मतलब और आखिरी मतलब ये है कि आप फ़ायदा हासिल करें। और दोस्तों आपके दोस्त को सहकार करें, आपके दोस्त को कि चैनल को, मेरे चैनल को शिफा आयुर्वेदिक हिजामा सेंटर को आप दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। भाई बहुत से लोग परेशान हैं यार, आप समझे, आप किसी का भला करेंगे तो ही आपका भला होगा, ये एक पॉलिसी है और इंसानियत भी है। तो कोशिश करें, और ये चीज़ें बिल्कुल आज आम है। इसकी वजह यह है कि पिज़्ज़ा बर्गर ये तमाम चीज़ें खा खा के क्या होता है कि वो जो अपना लीवर है, मैदा है, जो मशीन है वो सही काम नहीं करता है, तो फिर ये दिक्कत होने वाली है। और उसमें थोड़ा सा मतलब जहन ख़राब हो जाए या सेक्सुअल हो जाए, अभी अब 22 की उम्र तक ये बीमारियाँ हैं, तो आगे जाके ये नामर्दगानी की तरफ भी ले जाती है, बंदा मर्द ही नहीं रहता, उसको कुव्वत भी आगे जाके कम हो जाती। तो कोशिश करें ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगी दोस्तों, बस इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और आपके दोस्त मोहम्मद इरफान अकबरी को दुआ में याद फरमाएं, और मज़ीद मालूमात के लिए मैं अपने नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूँ। तो दोस्तों जरूर आपको कुछ ऐसा हो तो आप व्हाट्सअप करें, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन नमाज के वक्त के अलावा। और आपके दोस्त मोहम्मद इरफान अकबरी को दुआ में खास याद फरमाएं।